नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे पत्थर के भूत, जो कि मनोज चित्र कथा है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ये रहा ये खजाना, सब मेरा है। सब मेरा है। पास ही पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया। और सोने के सिक्के, इसमें हीरे जवाहरात होने चाहिए, लेकिन उसमें खजाना नहीं, मौत थी, अजगर के रूप में, जो झपट पड़ी थी पीटर के ऊपर। उफ, ये क्या अजगर। अब तू भी शामिल हो जा हमारे साथ कल के पहरेदारों में। मैंने आवाजें सुनी थी, यहीं से आई थी। अगर आवाज़ यहीं से आई थी तो अंदर चलकर देखते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आया क्यों? डॉक्टर कौल ने सारी कहानी कह सुनाई। इधर अंदर साक्षात मौत खड़ी थी पीटर के सामने, जो अब चाहकर भी आज़ाद नहीं हो सकता था। शायद आपका कोई वहम होगा, अगर वो यहाँ होता तो ज़रूर मिलता। खैर, कोई बात नहीं, आओ चलें। वहम, काश ये वहम ही होता। पीटर ने अगर मेरी बात मान ली होती। और इसी के साथ ये भी छोटी सी स्टोरी थी, और ये भी यहीं समाप्त होती है। और ये मनोज चित्र कथा की डार्क टेल्स की सीरीज है, इसलिए ये छोटी छोटी स्टोरी है। तो चलिए इसकी एक और स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गुनाह और गुनाहगार। रॉकी एक स्वार्थी युवक था। मुफ्त में करोड़पति बन जाने के लिए उसने बिजनेस टाइकून फवीर सागर की बेटी शेफाली को शीशे में उतार लिया था। तुम्हारे डैडी हमारी शादी के लिए राजी हो जाएगा ना शेफाली डियर? मैं उन्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ रॉकी, तुम चिंता ना करो। तभी चर, ओ ये तो डैडी की कार है। कबीर सागर अपने आदमियों के साथ कार से बाहर निकला। पकड़ो उसे और ऐसा मजा चखाओ कि दोबारा मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। शेफाली ने इसका विरोध किया, मगर कबीर सागर के सामने बेबस हो गई। शेफाली, यू स्टे आउट, छोड़ दो मुझे। चारों ने मिलकर रॉकी की अच्छी मरम्मत कर डाली। ढिसुम धार आ, बेहाल हुए रॉकी को कबीर सागर ने चेतावनी दी। आज तो जिंदा छोड़ रहा हूं, लेकिन दोबारा शेफाली के निकट आने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। भाड़ में जाए शेफाली, अपनी जान से कीमती कोई चीज नहीं होती। अपने मिशन की असफलता का दुख भुलाने के लिए रॉकी तटवर्ती कस्बे संगाली में तफरी के लिए आ गया। इस दुनिया में दौलतमंद लड़कियों की कमी नहीं है, यहां सांगली में भी कोई मिल ही जाएगी। दूसरे ही दिन वो अपना शिकार ढूंढने में सफल हो गया था। रीना, शेफाली जितनी अमीर तो नहीं है, फिर भी अपना काम तो चल ही जाएगा। क्या सोच रहे हो रॉकी? कुछ नहीं डियर, आओ समुद्र में नहाते हैं। चलो। 4-5 दिन में ही रीना उसे जी जान से चाहने लगी थी। मुझे छोड़कर कभी मत जाना रॉकी, नहीं जाऊंगा। 6ठे दिन रॉकी के होटल में एक फोन आया। शेफाली, तुम्हें मेरा पता किसने बताया? तुम्हारी लैंड लेडी ने। अब एक खुशखबरी सुनो। रॉकी की आंखें खुशी और हैरत से फैलने लगी। क्या तुमने अपने डैडी से बात कर ली और शादी के लिए राजी कर लिया? उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया है, मैं आज ही वापस आ रहा हूँ माय डियर, आज ही। फोन रखकर जैसे ही वो पलटा, रीना तो तुम शादी करने जा रहे हो, कौन है ये शेफाली? रीना को बातों में लगाकर वो वोटिंग के लिए ले आया। मैंने तुम्हें केवल दोस्त समझा था रीना, शादी तो मुझे शेफाली से ही करनी होगी। नहीं करने दूंगी, मैं शेफाली का पता लगाकर उसे बता दूंगी कि तुम एक धोखेबाज आदमी हो। इस धमकी ने रॉकी को उत्तेजित कर दिया। शेफाली को पाने के लिए मैं तेरे जैसे सैकड़ों को रास्ते से हटा सकता हूं। आ, आ। उसके शक्तिशाली हाथों में रीना एक बेबस कबूतरी की तरह फड़फड़ा कर दम तोड़ गई, मर गई। छपाक, समुद्र में इस जैसे अनगिनत गुनाहों की कब्र है।
बोट लेकर वो वापस चल दिया और उस स्थान पर उसके गुनाह के निशान के चिन्ह भी ना रहे। उसी शाम रॉ के शहर वापस आकर शेफाली की कोठी जा पहुंचा। ओ माय डियर, तुम आ गए। यस शेफाली, मगर तुमने डैडी को राजी करने का चमत्कार कैसे कर दिखाया। इसने भूख हड़ताल कर दी थी भाई और मुझे हार माननी पड़ी। डैडी, इसे मस्का लगाता हूँ। उठो बेटे, आज रात ही तुम दोनों की सगाई होगी। थैंक्स डैडी। कुछ देर बाद सगाई की पार्टी 9 बजे आरंभ होगी। उससे पहले हम स्विमिंग पूल में नहाकर फ्रेश होते हैं। गुड आइडिया, तुम चलो, मैं तैयार होकर आता हूँ। शेफाली के जाते ही उसने अपना सूटकेस खोला। अरे, ये सारे कपड़े गीले कैसे हो गए? सामान में तो पानी जैसी कोई चीज नहीं थी। कपड़ों को टटोलते हुए वो जोर से चौंका। उफ, ये तो रीना का बाथिंग सूट है, लेकिन पानी। तभी शेफाली वापस आ गई। अभी अभी तक तैयार नहीं हुए? जरा ये देखो शेफाली। क्या देखूं? ये एक तौलिया है। तौलिया? मगर ये तो रीना का सूट था। अब जल्दी से नहाने चलो ना, बस 5 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। कुछ देर बाद वो स्विमिंग पूल पर थे। देखो मैं कैसे डाइव करता हूँ। गो अहेड। रॉकी ने शानदार डाइव लगाई। छपाक। पूल की तह में पहुंचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। रीना। किसी प्रकार वो स्वयं को छुड़ाने में सफल हुआ। हड़बड़ा कर उसने सतह छोड़नी चाही। उफ, ओह, मेरी सांस घुट रही है। तुरंत हवा ना मिली तो फेफड़े फट जाएंगे। आखिर वो सतह पर उभरने में सफल हुआ। आह, रॉकी, तुमने ऊपर आने में इतनी देर क्यों लगाई? ओह शेफाली, बड़ी मुश्किल से जान बची है। अरे मतलब आई वॉच सीज्ड विद ए मसल क्रैम। फिर तो तुम्हें तैरना नहीं चाहिए। पोल से जाते हुए रॉकी के मस्तिष्क में तूफान मचा हुआ था। वो सचमुच रीना थी या मेरा वहम? सगाई की उत्तेजना में वो जल्द ही इस घटना को भूल गया। 9 बजे पार्टी शुरू हो गई। मेरे मित्रों से मिले रॉकी। अचानक कबीर सागर चौंका। अरे शेफाली कहाँ है? मैं देखता हूँ डैडी, कहाँ चली गई? शेफाली कोठी के भीतर नहीं थी। वो लॉन में पहुंचा। शेफाली, अचानक रीना, क्या तुम जीवित हो? मेरा शरीर मर चुका है, मगर आत्मा भटक रही है। जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होगा, मैं इसी तरह भटकती रहूंगी और तुमसे प्रतिशोध लेकर रहूंगी। मुझे क्षमा कर दो रीना, प्लीज यहां से चली जाओ। शेफाली को तुम्हारा असली चेहरा दिखाकर मैं यहां से चली जाऊंगी। तुम शेफाली से कुछ नहीं कहोगी। रॉकी का क्रोध भड़क उठा। मैं तुम्हें दोबारा मार डालूंगा। अगले ही पल, ई रॉकी, तुम ये क्या कर रहे हो? ए शेफाली, तुम मेरा गला घोटना चाहते थे क्यों? जवाब दो रॉकी। कबीर सागर और कुछ मेहमान भी वहां आ पहुंचे थे। तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की? यू नहीं डैडी, मुझसे भूल हो गई। शेफाली के स्थान पर मैं उसे देख रहा था। किसे रोकी? आखिर कौन है वो जिससे तुम इतनी घृणा करते हो? इसका उत्तर मैं अभी नहीं दे सकता, मुझे यहाँ से तुरंत जाना होगा। उसे रोको डैडी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसे जाने दो बेटी, अगर उसका प्यार सच्चा है तो वो जरूर लौटेगा। रॉकी एक बार फिर सांगले के समुद्र तट पर जा पहुंचा। अपने गुनाहों को मैं समुद्र की गोद से निकालकर चीता के हवाले कर दूंगा, फिर रीना की आत्मा की शांति मिल जाएगी। कुछ देर बाद यही वो स्थान है जहां उसका शव पड़ा है। पानी के नीचे उसका गुनाह मौजूद था। आ जाओ रीना, आज के बाद तुम मेरा पीछा नहीं कर सकोगी। बोट में पहुंचकर उसने ऑक्सीजन सिलेंडर उतार फेंका। आह, तभी पानी में एक विशाल लहर उठी। उस आह, रॉकी ने सतह पर आने के लिए हाथ पांव चलाए, मगर उफ, रीना का निर्जीव शरीर समुद्री बेल की तरह उससे लिपट चुका था। गड़ब गड़ब,
गुनाहगार अपने गुनाह के साथ समुद्र की गोद में समा गया था। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। तो कोई भी अगर गुनाहगार होता है तो उसके गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।